The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, आज हमारी बातचीत होने वाली है पार्किंसंस डिजीज के बारे में। अगर एक ये ऐसी बीमारी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपके पहचान का शायद घर में कोई ना कोई बुजुर्ग इससे ग्रसित हो सकता है। ये बहुत कॉमन है बुढ़ापे में और ये ऐसी बीमारी है जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो पार्किंसंस क्या है? पार्किंसंस डिजीज होता है क्योंकि ब्रेन के सेल्स जो है वो मरने लग जाते हैं। ये बुढ़ापे में सबके साथ होता है, तो इसको बुढ़ापे की बीमारी क्यों नहीं बोलते? पार्किंसंस अलग क्यों है उसको समझना पड़ेगा। इसलिए समझने के लिए वीडियो देखना पड़ेगा, पूरा अंत तक देखिएगा। और इस चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पार्किंसंस डिजीज, ब्रेन सेल्स आर डाइंग, सिंपल। ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपके दिमाग के ब्रेन के सेल्स हैं जो आपकी मूवमेंट से लेके कोऑर्डिनेशन सब कंट्रोल करते हैं, और बिकॉज वो मर रहे हैं, बिकॉज वो मूवमेंट कंट्रोलिंग में प्रॉब्लम आएगी तो पेशेंट को शेकिंग होती है, ट्रेमर्स, पेशेंट को ट्रेमर्स होते हैं, चलने फिरने में दिक्कत होता है, ट्रबल होती है वॉकिंग में। सो ये बेसिक सबसे बड़ा साइन है पार्किंसन डिजीज का, जो बूढ़े लोगों को चलते हुए ऐसे ऐसे करते हुए देखते हैं हम, दैट इज वन ऑफ द साइन ऑफ पोटेंशियल पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस कॉज क्या है इसका? देखिए, आपके ब्रेन में नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, जिनके अंदर एक केमिकल है जिसका नाम है डोपामीन जो है ये कंट्रोल करता है आपके मसल मूवमेंट को। और पार्किंसंस डिजीज के अंदर होता क्या है, जो ब्रेन के कुछ सेल्स होते हैं जो स्पेसिफिकली डोपामीन बनाते हैं वो मरने लग जाते हैं धीरे धीरे। तो आपके ब्रेन के वो सेल्स जो डोपामीन बनाएंगे अगर मरेंगे, तो बिना डोपामीन के जो सेल्स मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं वो प्रॉपर सिग्नल, प्रॉपर मैसेज नहीं भेज पाते। बिल्कुल जैसे कभी टीवी में जो खच 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 करके कभी होता है ना, रुकावट के लिए खेद है, कभी बारिश आ रही होती है तो कैसा होता है, कुछ दिखा नहीं दिखा, ऐसे सेम वैसे होता है, मूवमेंट हुआ नहीं हुआ। तो मसल्स में प्रॉपर मैसेज नहीं जाता, इसी वजह से मसल्स को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, इसी वजह से उनकी शेकिंग होती है। धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है और स्लोली ओवर टाइम ये डैमेज बढ़ के और ज्यादा खराब होने लगता है, पेशेंट वॉक, चल भी नहीं पाता फिर, राइट? अब ये इस पार्किंसंस डिजीज का कोई, ये सेल्स मरने का, डैमेज होने का कोई एक कारण नहीं है। इसके रिस्क फैक्टर्स देखेंगे कि भाई हाँ, एक कारण तुमने ये किया था इसलिए तुम्हें ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं, एक कोई कारण नहीं है। और एग्जैक्टली इसके कई सारे रिस्क फैक्टर है। नंबर वन, क्या ये सिर्फ बुढ़ापे में होता है? नहीं, ये यंग लोगों में भी हो सकता है। जब ब्रेन के सेल्स मर ही रहे हैं तो बुढ़ापे में तो ज्यादातर बुढ़ापे में होता है और ज्यादातर आदमियों में होता है। मेन आर अफेक्टेड मोर देन वुमेन, ऑल्दो अगर मतलब वुमेन को भी हो सकता है बिल्कुल आराम से। और नंबर दो, जेनेटिक फैक्टर है, जिसकी जीन्स में पार्किंसंस डिजीज मतलब पहले फैमिली में हो रखा है उसको होने के चांसेस है। जेनेटिक फैक्टर एक, उम्र, यंग में भी होता है, ठीक है, लेकिन ये भी अगेन जेनेटिक है, यंग में होगा तो जेनेटिक होगा, बच्चों में नहीं होता या बहुत रेयरली होता है। सिम्टम्स क्या होंगे? पहले तो बहुत माइल्ड होंगे, पता भी नहीं चलेगा रे क्या यार, ऐसे मैं तो पकड़ रहा था हाथ में आया नहीं, ऐसा कुछ होगा राइट? तो पहले माइल्ड ट्रेमर होगा, ये क्या होगा, एकदम से हाथ कांप रहा है, ऐसे लगेगा रे ये क्या हो रहा है यार, पता नहीं कुछ हुआ हाथ में, एनीवेज ठीक है, तो ऐसे लगेगा आपको, छोड़ो जान दो कुछ नहीं होता है ना। सो फीलिंग होगी कि कभी होगा कि पैर थोड़ा भारी पड़ रहा है, ऐसा लगेगा कि पैर को खींचना पड़ रहा है, स्टिफ है, ड्रैग करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ लगेगा आपको चलते समय। और धीरे धीरे क्या होगा, प्रॉब्लम आने लगेगी बैलेंस में, वॉकिंग में, मसल्स की स्टिफनेस, रिजिडिटी बढ़ने लगेगी आपको, लो ब्लड प्रेशर आने लगेगा, जब आप खड़े होते हैं चक्कर आ सकते हैं, पोस्चर आपका थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो सकेगा, क्योंकि वहां की भी सारी की सारी मसल स्लो काम करेगी ना,
तो वो भी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में स्वेटिंग हो सकता है, नॉट वी यू माइट नॉट बी एबल टू कंट्रोल योर ओन टेम्परेचर ऑल्सो, क्योंकि बॉडी का ब्रेन भी तो सारा टेम्परेचर भी तो ब्रेन ही कंट्रोल करता है, तो दैट कैन बी देयर, सो दैट कैन हैपन। एंड ब्लिंकिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, तो आंखें ड्राई हो सकती है, निगलने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो खाने में प्रॉब्लम हो सकता है, ड्रूलिंग हो सकती है, यहाँ से ऐसा लग रहा है टक 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 पानी निकल रहा है, मुंह के अंदर जो टोन है वो खराब हो सकती है, जबान लड़खड़ा सकती है, जबान की वॉइस क्वालिटी, वॉइस स्पीच, मोनोटोन चेंज हो सकती है, और इवन आपके फेस के एक्सप्रेशन जो है वो खराब हो सकते हैं, ऐसा लगेगा जैसे आपने मास्क पहन रखा है, समथिंग लाइक दैट। सो कई बार उसमें फिर मूवमेंट मूवमेंट प्रॉब्लम आने लग जाती है, स्टार्ट डिफिकल्टी इन स्टार्टिंग द मूवमेंट, कि चलना शुरुआत करने में प्रॉब्लम, और गेटिंग आउट ऑफ द चेयर इट विल बी अ प्रॉब्लम, यू नो कंटिन्यूइंग टू मूव विल बी अ प्रॉब्लम, स्लो करना मूवमेंट को एक प्रॉब्लम हो जाएगा, लॉस ऑफ हैंड मूवमेंट हो, दिक्कतें आने लगेंगी, खाना खाने में प्रॉब्लम आने लगेगी, राइट, और शेकिंग होगी बहुत ज़्यादा, लिम्स पूरे, पैर भी हाथ भी शेकिंग, रेस्टिंग ट्रेमर, इसको रेस्टिंग ट्रेमर बोलते हैं, जैसे ही आराम से ध्यान घटा वहां हार्ट ट्रेमर शुरू हो गया, रेस्टिंग ट्रेमर, और ये तब होगा जब ये सरफेस से उठाएंगे, जैसे ही सरफेस से उठा ट्रेमर, सरफेस पे रखा है तो कुछ नहीं, सरफेस से उठा ट्रेमर, ऐसा, सो रेस्टिंग ट्रेमर, जब आप एक्साइटेड हो जाओगे कोई पेशेंट और ज्यादा ट्रेमर, हाँ क्या हुआ क्या हुआ, हाँ क्या हुआ क्या हुआ, बता जल्दी बता, समथिंग लाइक दैट कैन यू। और ये अननेसेसरी लोग क्या करते हैं, अपने फिंगर को अपने थंब से रब करने लग जाते हैं, अननेसेसरी यू कैन कॉज यू टू रब योर फिंगर एंड थंब टुगेदर, दिस इज कॉल्ड एज पिल रोलिंग ट्रेमर, पिल रोलिंग ट्रेमर, टिंग 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 ऐसे, राइट, सो इवेंचुअली धीरे धीरे ये सर पे भी आ सकता है, टंग में भी आ सकता है, दिक्कतें बढ़ सकती हैं, इसके साथ में ऑब्वियसली जिसके साथ ये होगा उसको कंफ्यूजन भी होगा, उसको घबराहट भी होगी, एनजाइटी भी होगा, टेंशन भी होगा, डिप्रेशन भी होगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं गिर भी सकते हैं, फेंटिंग भी होगा, मेमोरी प्रॉब्लम भी होगा, और भूलने की प्रॉब्लम भी होगी, डिमेंशिया भी होगा, सो इस तरह की बहुत ही ज़्यादा खूंखार बीमारी है जो धीरे 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 इंसान को खुद ही से छीन लेती है, बहुत डेंजर हो गया। एनीवेज सो इसके लिए फिर क्या होता है, इसके लिए आपका एग्जामिनेशन होता है, आपके आप डॉक्टर क्या करते हैं, आपका एक चेकअप करते हैं कि आपका मसल टोन, जर्की, आपके मसल के जर्क्स, नी जर्क्स, और और आपके आपको चलने को बोलते हैं, चल के दिखाओ, आपके ट्रिमर्स चेक करते हैं, आपकी हार्ट रेट देखते हैं, मसल रिफ्लेक्सेस देखते हैं, सारी चीज़ें देख के एग्जामिनेशन करके फिर डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई ये जो लग रहा है ये पार्किंसंस है, ये सिम्टम्स के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, सिम्टम्स, इसका कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं आता, कोई टेस्ट नहीं आता, कोई इलाज नहीं है, कोई क्योर नहीं है, कछु ना ही आए, कुछ नहीं, सो क्या करेंगे फिर, दवाइयां हैं कुछ जो दे सकते हैं जिससे कि ये जो शेकीनेस है डंग 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 कंट्रोल हो जाए, थोड़ा सा इंसान जो है जी पाए, या स्लोली और ज्यादा दिन लगे कि भाई हाँ एकदम से जल्दी से खराब ना हो जाऊं मैं, सो दैट काइंड ऑफ मेडिसिन आर देयर जो आपको न्यूरोलॉजिस्ट देंगे, धीरे धीरे मेडिसिन को कभी कभी बढ़ाना भी पड़ता है, कभी आपके मेडिसिन आपके मूड के लिए, थिंकिंग प्रॉब्लम के लिए, स्लीप प्रॉब्लम के लिए, ड्रूलिंग के लिए, आपके इन सारी दिक्कतों के लिए मेडिसिन दे सकते हैं, पार्किंसन डिजीज के जो मेजर साइड इफेक्ट्स इवन उसके मेडिसिन से भी हो सकते हैं, कन्फ्यूजन, नॉजिया, वॉमिटिंग, उन सब से ये भी हो सकता है, तो इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से बताना पड़ेगा। अब इसके लिए एक ऑपरेशन भी आता है, सर्जरी भी आती है, बोलेंगे सर सर्जरी ये क्या मतलब, कोई कारण पता नहीं, सर्जरी, जी हाँ सर्जरी होती है, इसको बोलते हैं DBS, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन बोले तो आपके ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रोड्स घुसा के ऐसे एरिया में जो कंट्रोल करते हैं उसको स्टिमुलेट किया जाता है, नंबर 1 एक टाइप की सर्जरी, स्टिमुलेटिंग द ब्रेन, चलो करके देखते हैं, मे बी यू विल, उससे क्या होता है कई लोग होते हैं जिनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है मे बी कुछ वक्त तक, फिर देयर कैन बी सर्जरी ऐसी भी कर सकती है कि जो पार्किंसन के सिम्टम्स पैदा करते हैं ब्रेन का हिस्सा उसको डिस्ट्रॉय कर दो, सर्जरी टू डिस्ट्रॉय द ब्रेन टिश्यू दैट कॉजेज पार्किंसन सिम्टम्स दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ऐसा भी होता है,
और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी स्टडीज हो रही है, स्टेम सेल स्टडीज, जिसमें आगे चल के हो सकता है कि इन डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को हम फिर से जीवित जिंदा कर पाए। बहरहाल अभी क्या कर सकते हो आप, अभी मतलब अगर आपके पास ऐसा कोई हो तो लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि पार्किंसंस को कोप करना या इवन उसको कोप करना यानी उसके साथ जीने में आसानी होगी। उसमें आप क्या करना है, अगर आप अपने मतलब जो चीज़ नहीं कर पा रहे हो उसका एडजस्टमेंट करना, खाना नहीं खा पा रहे हो तो ईटिंग चीज़ों के लिए स्वॉलिंग प्रॉब्लम है तो उसके लिए अलग से, बोल नहीं पा रहे हो तो स्पीच थेरेपी करनी है, राइट। और कोई भी चीज़ जितनी कर पाते हो उतना करो, एक्सेस मत करो, जबरदस्ती अकेले रहने की जरूरत नहीं है, राइट। कोई हेल्पर रखो, राइट। रेस्ट करो, जितना हो सके उतना रेस्ट करो, फिजिकल थेरेपी कराओ, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराओ, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, उसके बाद में ऐसे छोटे 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 चीजें घर में रखो जिसका सहारा ले सको, राइट। ये ना करो कि ऐसी चीजें ले लो जो गिर जाए, कोई बड़े बड़े कोई ऐसे चीज ना हो कि जहां से लड़ खड़क के ऐसे गिरे और बहुत ज्यादा चोट लग जाए, राइट। कुछ असिस्टिव डिवाइसेस भी आते हैं जिस जो मूवमेंट इजियर करते हैं, उसके बारे में आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट ऑर्थोपेडिशियन से बात करें। जो मान लीजिए व्हील जो ऐसे होते हैं, ऐसे चम्मच आते हैं जो हिलेंगे नहीं, जो हिलेंगे भी तो गिरेगा नहीं, ऐसा देखा ना टीवी पे, वैसा वाला चम्मच आता है कि हाँ उससे खा लो कि जितना भी हिला लो चम्मच से गिरेगा नहीं आपका खाना। तो ऐसे असिस्टेड डिवाइसेज आते हैं, व्हील चेयर आते हैं, बेड लिफ्ट आते हैं, शावर चेयर आते हैं, वॉकर आता है, वो सब की हेल्प ले सकते हैं, राइट। उसके अलावा जो काउंसिलिंग बहुत जरूरी है, उनको समझाना, उनसे बात करनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इसके लिए आपको बात करनी होगी अपने न्यूरोलॉजिस्ट से। और याद रखिए मेडिसिन हेल्प कर सकती है लेकिन एक हद तक ही, अल्टीमेटली आगे चल के ये बीमारी बढ़ती जाएगी, उसका कोई और ऐसा परमानेंट इलाज नहीं है। कॉम्प्लिकेशंस होके धीरे धीरे इंसान को इंजरी होती है, कभी कभी इन्फेक्शन हो जाते हैं क्योंकि खुद का ख्याल नहीं रख पाते, और निमोनिया हो जाता है या कोई दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, अल्टीमेटली फिर ऐसे में गड़बड़ हो जाती है कहीं ना कहीं। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ ओल्ड मैन पार्किंसंस के साथ जो होता है। सो आई होप यू लाइक द टॉपिक एंड प्लीज डू शेयर दिस, जिनको हो रहा है उनके काम आएगा, उनको ऑप्शंस मिलेंगे, वो बात कर पाएंगे। सो शेयर करिएगा और आई होप आप लाइक और सब्सक्राइब कर चुके हो। थैंक यू।